Hi guys, this is Saboor Aly. आप लोग सब मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी स्किन इतनी अच्छी कैसे है। कुछ दिन पहले मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी, डलनेस आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मेरे इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी दिस मेक फेस वॉश, जिससे मैंने 3 से 4 दिन यूज़ किया है और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कभी पिगमेंटेशन थी ही नहीं और ग्लो भी आने लग गई। सो मेरी रिकमेंडेशन 100% है मैक फेस वॉश के साथ। मेरी डेली रूटीन में भी मैक फेस वॉश शामिल हो चुका है। सो गाइस गिव इट अ ट्राई एंड कीप योर स्किन हेल्दी एंड सेफ। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग अक्सर कमेंट करते थे कि आप कोई भी रेमेडी बताने से पहले या कोई प्रोडक्ट जो है वो बताने से पहले कहते हैं कि जी किसी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस जो है वो वॉश कर ले, तो हमें एक अच्छा फेस वॉश जो है वो रिकमेंड कर दे। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक व्हाइटनिंग क्लिंजर जो है, व्हाइटनिंग फेस वॉश जो है, उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रिव्यू तो आप लोगों ने पहले इंट्रो में इसका देख लिया होगा। तो जी ये है मैक का व्हाइटनिंग फेस वॉश। अब बात करते हैं कि मैं आप लोगों को ये क्यों रिकमेंड करने लगा कि ये एक बहुत अच्छी जो है वेल नोन एक्ट्रेस जो है उसने आप लोगों को रिकमेंड किया। नहीं, इसका रीजन बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये रिकमेंड इस वजह से करने लगा। मैं आपको ये रिकमेंड करने लगा हूं इसकी इफेक्टिवनेस के लिहाज से, उसके बाद इसकी प्राइस के लिहाज से और ब्रांड के लिहाज से। ये तीनों चीजों के लिहाज से मेरे ख्याल से हमारे यहां जितने भी ये जो मिल रहे हैं इस टाइम फेस वॉश, ये उनमें से बेस्ट फेस वॉश है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जो भी चीज आप लोगों को रिकमेंड करता हूं वो उसके इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद करता हूं कि इसके इंग्रेडिएंट्स वाकई इस लाइक हैं कि इसको बाय किया जाए या नहीं बाय किया जाए। तो बिल्कुल ये जो प्रोडक्ट है इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से ये बिल्कुल इस लाइक है कि इस पे आप लोग पैसे जो हैं वो अपने खर्च कर सकते हैं। और रिजल्ट की बात करें तो अगर आप लोग ये एक ट्यूब खत्म करते हैं तो आप लोगों की पिगमेंटेशंस खत्म होगी, आप लोगों की स्किन टोन जो है वो फेयर होगी, उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन जो है वो इवन टोन होगी, यानी कि अगर आप लोगों की स्किन पे पैचेस हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, इसकी कीमत जो है बाकी जो महंगे ब्रांड है उनके लिहाज से बहुत कम है। इसके इंग्रेडिएंट्स अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इंग्रेडिएंट्स उनके आप लोग हैरान होंगे कि भाई इस कीमत में और ये इंग्रेडिएंट्स। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में है स्टेरिक एसिड। अब स्टेरिक एसिड पे एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी कि स्टेरिक एसिड जो हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, तो ऊपर आई बटन में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उसका लिंक दे दूं। उसके बाद है जी इसमें अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन ये तो व्हाइटनिंग के लिए हो ही गया, उसके साथ साथ इसके अंदर है सल्सैलिक एसिड। सल्सैलिक एसिड क्या करता है? सल्सैलिक एसिड बेसिकली ये करता है कि वो आप लोगों की फेस पे जो एक्नी होती है या आप लोगों के जो एक्नी स्कार्स होते हैं वो उसको टारगेट करता है। इन शॉर्ट ये जो फेस वॉश है ये आप लोगों को व्हाइटनिंग देगा, उसके बाद ये आप लोगों की एक्नी को टारगेट करेगा, आप लोगों की स्किन को इवन टोन करेगा और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली भी रहेगा। अब आप लोग मुझे बताएं कि कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड, जैसे ये यूके का ब्रांड है, ये आप लोगों को इतनी अफोर्डेबल कीमत में मिल सकता है और वो भी जिसके रिजल्ट जो है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिले, आप लोगों की स्किन पे एक रेडिएंट सा ग्लो आए, उसके साथ साथ ये आप लोगों के पोर जो है उनकी एक डीपली क्लींजिंग करने के लिए भी एक बहुत अच्छा क्लींजर जो है वो साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसको आप लोगों ने यूज कैसे करना है, तो मैं आप लोगों के साथ एक टिप जो है वो शेयर करूंगा क्लींजिंग की। आप लोगों ने स्टार्ट में जब अपने फेस के ऊपर पहले पानी जो है उसका छट्टा मारना है तो वो जो पानी हो वो बिल्कुल आप लोगों का नीम गर्म हो। नीम गर्म पानी से ये होगा आप लोगों के फेस के जो पोर्स होंगे वो खुल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लेनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी उसको आप लोगों ने हाथों पे लेदर करना है, यानी कि झाग बनानी है। उसके बाद उससे अपने पूरे फेस को आप लोगों ने जो है वो जिस तरह आप लोग एक्सफोलिएट करते हैं, ये समझे जिस तरह आप लोग अपना रेगुलर फेस वॉश जो है वो यूज करते हैं, आप लोगों ने इसको उस तरह यूज करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो गर्म पानी से उसको धोना है और उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जब आप लोगों का फेस क्लीन हो जाए या आप लोगों के फेस से रिमूव हो जाए उस टाइम आप लोगों ने ठंडा पानी जो है वो अपने फेस के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। इससे ये होगा जो क्लींजिंग के दौरान आप लोगों के जो पोर जो है वो खुले होंगे, वो आप लोगों के पोर जो है वो बंद हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों के पोर्स की डीपली क्लींजिंग भी होगी और उसके बाद आप लोगों के पोर जो है वो भी बंद हो गए। तो अगर आप लोग एक अच्छा और अफोर्डेबल और इफेक्टिव जो है वो फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो मेरी तरफ से ये आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, इसके इंग्रीडियंट्स के लिहाज से, इसकी इफेक्टिवनेस के लिहाज से और इसके ब्रांड के लिहाज से। और मेरी कोशिश भी होगी कि जो बॉयज जो है वो विन करें गिव अवे में, उनको यही जो है फेस वॉश जो है ये गिफ्ट किया
किया जाए। तो ये था आज का रिव्यू, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।